अस्सलामुअलैकुम, मेरे वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। आज सैटरडे है, वीकेंड है, और वीकेंड अच्छा होता है ना। तो हफ्ता कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। पिछले दिन अभी मुझे लग रहा था, कुछ ही दिन पहले मैं कह रही थी कि सैटरडे हमारा ऑफ नहीं होता या संडे ऑफ होता है। तो अब देखें कितनी जल्दी तेज़ी से वक्त गुजरा है। और वाकई आपको रियलाइज़ आहिस्ता आहिस्ता होता है कि 2018 जब शुरू हुआ था तो ऐसे लगता है कि बस बहुत ऐसे स्पीड में गुजरा है ये 2018 कि समझ ही नहीं आई कि आपने भी माइंड बना रहे होते हैं कि अच्छा इस साल हमने ये करना है। लेकिन वो जो टाइम है ना, वो वाकई पर लगा कर उड़ा है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपने टाइम के साथ कर क्या रहे हैं। चलिए जनाब, आज की रिसर्च आपसे शेयर करते हैं और हम आपको दुनिया भर के आर्टिस्ट जो हैं उनके हवाले से बताते रहते हैं। तो तेहरान में भी एक आर्टिस्ट ऐसे हैं, बल्कि एक आर्टिस्ट नहीं, वो कई आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जो दरख्त हैं, जो प्लांट्स या ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है, उसको एक बड़ी जिद्दत का रख दिया कि जो दरख्त जो हैं मुर्दा थे, यानी कि काफ़ी अर्से से उनमें कोई, यानी चारों सीज़न में वो बिल्कुल बंजर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने नक्शो नगार बनाया और उनको खूबसूरत तरीन बना दिया। जनाब तेहरान की सड़कों की बात कीजिए तो बेशुमार कदीम और जो दरख्त हैं, तनावर दरख्त मौजूद हैं जिसमें से कई दरख्त जो हैं वो मुर्दा हो चुके हैं। चंद फनकारों ने कुछ अनोखा करने की ठानी और उन मुर्दा दरख्तों को तराश कर खूबसूरत शक्ल दी। और लकड़ी का काम करने वाले फनकारों ने दरख्तों के तनों पर बहुत ही खूबसूरत नक्शो नगार खोदे, उसके बाद मुख्तलिफ कलर से भी किया। उसके बाद ये दरख्त जो है वो ग्रीनरी का मंजर तो पेश करते हैं, लेकिन साथ साथ जो रोड है, जिस शाहरा पर ये दरख्त है, वो भी बहुत खूबसूरत नज़र आने लगी। तो डेफिनेटली ट्रीज़, हम कहते हैं प्लांट्स लगाने चाहिए, इन सब चीज़ों का एक पर्पज़ तो यही है कि आपकी एटमॉस्फेयर अच्छी होती है, एक जो कह लें ना खूबसूरती का एलिमेंट भी शामिल हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई दरख्त मुर्दा था, जिस तरह से बहुत अच्छे से बंजर पड़े थे, उन्होंने एक बड़ी क्रिएटिविटी की है, तो डेफिनेटली अप्रिसिएशन तो बनती है। अब ज़रा बात कर लेते हैं हेयर फॉल प्रॉब्लम जो होते हैं, अक्सर खवातीन और मर्दों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि बाल जो है उनके आते हैं। उसके बाद एक ही सोल्यूशन बचता है आपके पास, हेयर ट्रांसप्लांट। आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से बात करेंगे, बाल गिरने की वजूहत, किन कंडीशंस में हमें हेयर ट्रांसप्लांट की रिकमेंड किया जाता है, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, क्या उसके हिफाजती इकदाम, मतलब सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर वारिस अनवर, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से एक गेस्ट फेलोशिप भी हैं। और वेलकम टू द शो डॉक्टर वारिस, कैसे हैं? बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट एक टेक्निक है जिसमें अगर आपके सर के बाल उतर चुके हैं तो आपके सर के पिछले हिस्से से जहाँ पे हेल्दी बाल मौजूद हैं उनको वहाँ से लेके आगे जहाँ बाल नहीं है वहाँ लगा दिया जाए। इस टेक्निक को हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये इसकी दो टेक्निक्स हैं, एक है स्ट्रिप मेथड जो कि FUT कहलाता है, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, दूसरा है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सियन टेक्निक। फॉलिकुलर यूनिट एक्सियन टेक्निक में कट और स्टिच नहीं लगता, पीछे से एक पंच के साथ या मशीन के साथ आपके बाल ड्रिल करके निकाले जाते हैं, वो निकाल के आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। बेसिकली ये दो टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। अच्छा सब, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले पेशेंट की एक अच्छी इवेल्यूशन बहुत ज़रूरी है। इवेल्यूशन में ये देखना होता है कि पेशेंट की एज क्या है, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, अगर तो उसमें मर्दाना मौरूसी गंजपन है और उसकी एज 30+ है और पीछे से उसके हेल्दी डोनर एरिया मौजूद है जहाँ पे इतने एनएफ बाल लिए जा सकते हैं कि उसको फ्रंट पे एक रीजनेबल आप कवरेज दे सकें, देन वन शुड गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट एंड इट्स अ मिरेकुलस ट्रीटमेंट। आज के दौर में, पहले ये होता था कि लोग दूसरे बहुत सारे तरीके यूज़ करते थे, कभी विग यूज़ की, कभी कुछ यूज़ किया, लेकिन आजकल ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वजूहत हेयर लॉस की जो वजूहत हैं उनमें कुछ वजूहत हैं जो सिर्फ मर्दों में हैं, कुछ हैं सिर्फ खवातीन में, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मर्दों में जो है उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बाल्डनेस या मर्दाना मौरूसी गंजपन। ये सिर्फ मर्दों में होता है, अल्लाह पाक ने इससे खवातीन को बचाया हुआ है क्योंकि इसमें आपका जो मेजर पोर्शन है सर का, वहाँ से बाल उड़ जाते हैं। खवातीन में जो कॉज है हेयर लॉस की, उसमें पोस्टपार्टम हेयर लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता चलूँ, पोस्टपार्टम हेयर लॉस ये है कि जिस वक्त प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस के थ्रू जो आपके बालों का नॉर्मल साइकिल है
वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब नॉर्मल साइकिल में ये होता है कि आपके 80-90% बाल ग्रोइंग फेज से गुजर रहे होते हैं, 10-15% स्टैटिक फेज में और 1% फॉलिंग फेज में। जो 1% फॉलिंग फेज है उसमें वो स्टैटिक फेज हो जाती है। तो जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, प्रेगनेंसी के बाद एकदम से जब बच्चा 4 माह का होता है, हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस ख़त्म होता है, तो यकदम बाल गिरना शुरू होते हैं, जिससे ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं कि हमारे बाल उतरना शुरू हो गए हैं। अब हम आते हैं कॉमन वजूहात जो मर्दों और ख़वातीन दोनों में है। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट स्ट्रेस है, ग़िज़ा की कमी, खून की कमी, एक्सीडेंट्स, रोड साइड एक्सीडेंट से स्कैल्प डैमेज हो गई, कोई एसिड बर्न के केसेस बड़े कॉमन देखे गए हैं घरों में, कि आप जो नॉर्मल एसिड यूज़ होता है वॉशरूम साफ़ करने के लिए, वो इस्तेमाल के बाद रख देते हैं रोशनदान में, उसका ढक्कन खुला हुआ होता है, जिस वक्त दोबारा उसको पकड़ने लगते हैं तो वो आपके सर पे गिर जाता है, तो जिसकी वजह से आपके बाल परमानेंटली लूज कर जाते हैं आप। इसके अलावा जो बड़ी वजह है वो है हेयर की मुख्तलिफ जो ग्रूमिंग प्रोसीजर्स हैं, लोग अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए उनको बार बार उस पर केमिकल्स लगवाते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, जिससे बाल डैमेज भी होते हैं और बालों का लॉस भी होता है। उसके अलावा कैंसर के जो मरीज़ हैं उनकी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हो रही होती है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो जाता है। और स्किन की कुछ बीमारियां हैं जैसे कि SLE, DLE, सार्कोइडोसिस, सिफिलिस, लाइकन प्लैनस, इनमें परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। और एक और कॉमन वजह जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है जो आम जुबान में हम उसको बाल चढ़ कहते हैं, वो एलोपेशिया एरिएटा है बेसिकली। उसमें एक गोल रिंग की सूरत में बाल किसी खास एरिया से उतरते हैं, लाइक सर से, मूछों से, दाढ़ी से, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि वो पूरे जिस्म के बाल भी उतार देते हैं। इसको एलोपेशिया एरिएटा या बाल चढ़ कहते हैं। इसमें हमारे लोग बेचारे बहुत ज़्यादा टोटकों में, लोग कहीं कोई दम कराने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो उनको ये मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, ये बेसिकली इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आती है और ये बाज़ दफ़ा खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है। तो इसलिए वो चाहे दम करा रहे हों, झाड़ू फेर रहे हों सर पर, जो मर्ज़ी कर रहे हों, उसने खुद ही ठीक हो जाना है। तो इस वजह से लोगों का उधर फेथ डेवलप हो जाता है, लेकिन इसका असल ट्रीटमेंट किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से ही करवाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो सारी कंडीशन आपने हेयर लॉस की बताई हैं, इसमें दोनों में मर्द और खवातीन की बात की जाए, हेयर ट्रांसप्लांट किन सूरतों में? हेयर ट्रांसप्लांट खवातीन में सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि अगर कोई एक्सीडेंटल हेयर डैमेज है, वो बड़ा कॉमन है, जैसे एसिड बर्न मैंने कहा, रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहा, या स्किन की कोई बीमारी है जैसे लाइकन प्लैनस है, उसमें आगे से पैच बन गया, पीछे हेल्दी बाल मौजूद हैं, उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। खवातीन में चूंकि जनरली डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है, उसमें एक जगह से बाल नहीं उड़ते, सारे ही बाल कम होते हैं, उसमें हम यही रिकमेंड करते हैं, अगर तो आपके जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इतनी है कि आपकी स्किन नज़र नहीं आ रही, देन यू शुड नॉट गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। उसके लिए दूसरी ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे कि PRP है, मेडिसिन से ट्रीटमेंट है, और PRP है। PRP बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक ट्रीटमेंट है, जिसमें पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड का प्लाज्मा पार्ट और सेलुलर पार्ट अलहदा कर दिया जाता है, प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, उन प्लेटलेट्स को ब्रेक करके अंदर से ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट किए जाते हैं, रिलीज करवाए जाते हैं, वो इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि ख़वातीन को हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड करने की बजाय उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट की जाए और उनको PRP एडवाइज़ की जाए, और जो भी अंडरलाइन कॉज है उनके हेयर लॉस की, उसको ठीक किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली हम ट्रीटमेंट्स की बात करें, जैसे मैंने अभी आपके साथ मीडिया पर भी रिपोर्ट हुई, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें सूट करता है, क्या वो कौन सी कंडीशन? बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट को भी अपने डॉक्टर से पहले मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब ये मशरूम ग्रोथ हो गई है सिटी में, हर जगह छोटे छोटे क्लिनिक्स खुल गए हैं जहाँ पे क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मौजूद नहीं है, टेक्नीशियंस कर रहे हैं, या सिंपल डॉक्टर को उनको उन्होंने कवर के लिए बिठाया हुआ है। वहाँ पे ये होना चाहिए कि प्रॉपर अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के साथ कंसल्टेशन हो, उसमें आपकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जैसे जिसमें खून नहीं जमता, हीमोफीलिया है, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं हो सकता है, और किसी किस्म की ऐसी बीमारी जैसे कि आपके अंदर कीलॉइड टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी बॉडी पर कोई कट लगा तो उसने कीलॉइड बना देना है, वो है। इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें आपका पहले हिस्ट्री, उसके बाद आपके टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, फिर उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड किया जाता है। और हेयर ट्रांसप्लांट जो रिकमेंड किया जाता है वो ज़्यादातर उन डिजीज़ में किया, ज़्यादातर जो मर्दाना मुरूसी गंजपन है उसमें किया जाता है, या एक्सीडेंटल लॉस में। बहरहाल जो भी बंदा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने को प्लान कर रहा है, मेरी उनको यही एडवाइस है कि वो जहाँ भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं, पहले ये पता करें
कि जिस डॉक्टर से वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड है या नहीं है, और हेयर ट्रांसप्लांट से पहले उसकी एक डॉक्टर से मीटिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली डाइट और बाद में अगर हेयर ट्रांसप्लांट इनकेस हो गया है तो उसके बाद क्या एहतियात होती है? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जनरली आपको एक हफ्ते तक वो जो आपके बाल लगाए गए हैं उनकी केयर करनी होती है, उसके बाद कोई ऐसा इसकी स्पेशल केयर नहीं है, लेकिन आपको जनरली अपनी डाइट की तो वैसे भी बालों की हेल्थ के लिए अपनी केयर करनी होती है। उसमें क्या है कि जो बाल और स्किन एक्चुअली हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का फाइनल आउटकम है। जो फिजिकल मेंटल हेल्थ है उसके लिए तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, उसमें आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज और आपकी स्लीप। अगर आप इन तीन चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो आपके हेल्दी बाल और स्किन होगी। अब अगर आप पर्टिकुलरली डाइट की बात करें तो डाइट में हमें ये सीखने की और समझने की ज़रूरत है कि हेल्दी और बैलेंस डाइट होती क्या है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को हेल्दी और बैलेंस डाइट का नहीं पता। हमारे यहाँ कल्चर है स्पेशली लाहौर का, जो बंदा खुशहाल हो जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाता है। खाबे के लिए वैसे भी लाहौर मशहूर है। तो इसके लिए बुनियादी तौर पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी और बैलेंस डाइट ये है कि आपके बुनियादी जो 6 इंग्रेडिएंट्स आपको उनका पता हो, वो क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिंस एंड वाटर। इसमें बालों के लिए और स्किन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मिनरल्स एंड विटामिंस, वाटर एंड प्रोटीन्स। इनकी एक बैलेंस क्वांटिटी आप डेली अपनी डाइट में लें और कोशिश करें कि ज़्यादा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, ताकि आपकी बॉडी एक शेप में भी रहे और हेल्दी भी रहे। सर अक्सर को मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें कि मैं आज के टॉपिक के हवाले से अपने तमाम व्यूअर्स को यही मैसेज दूंगा, ऑल ट्राई टू कीप योर लाइफ सिंपल, अवॉइड ऑल दिस मशीनी लाइफ लाइक जंक फूड, और जितनी ये लेजी लाइफ है इसमें कोशिश ये रहें कि अपनी जो डाइट है उसको सिंपल रखें, वे ऑफ लिविंग सिंपल रखें। आपकी डेली कम अज़ कम 5 दिन हफ्ते में आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। आपकी जो डाइट है वो सिंपल जैसे कि पुराने लोग खाया करते थे, ये तमाम चीज़ें जैसे दूध, दही, शहद, गोश्त, इस तरह की चीज़ें और जितनी जंक फूड है उससे अवॉइड किया जाए। और जितने भी आप मसरूफ़ हैं, एट द एंड अगर आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो आपकी कोई सक्सेस, कोई अचीवमेंट आपको खुशी नहीं देगी। तो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, उससे आपके बाल और स्किन भी हेल्दी होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से हमने आपको बताया और हेल्दी हेयर कितने जरूरी है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।